सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शिप लाइफ एंड स्टाइल। तो आज मैं अगेन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में चिकनकारी कुर्तियों का कलेक्शन, जो कि मैंने सब लिया है मीशो से। क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि यार चिकनकारी कुर्तियाँ मीशो पे यार बहुत ही अच्छी रेंज में मिल जाती हैं, क्वालिटी भी यार उनकी बहुत अच्छी होती है। मैंने पहले ही वीडियो बनाया है तो मैंने उसका रिव्यू भी आपके साथ में शेयर किया है। तो आज अगेन मैं आपके साथ मैंने रिव्यू सबका रिव्यू शेयर करूंगी, जिसमें मैंने लिए शॉर्ट कुर्ती, लिए लॉन्ग कुर्ती, लिए मैंने एलाइन कुर्ती, लिए डिफरेंट पैटर्न लिया है मैंने कुर्तियों के। तो चलो मैं वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी वाली कुर्ती सबसे ज्यादा पसंद आई है। हाँ आपको पता ही नहीं है, मैंने जितनी भी कुर्तियां हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, पूरा कलेक्शन 450 में है। तो चलो विदाउट डेट क्यों मिशन करते हैं अपनी फर्स्ट कुर्ती के साथ में। जो फर्स्ट कुर्ती है ना यार, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा था इस वाले पैटर्न के साथ में, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। कलर ऑप्शन आपको हर कुर्ती में 8 to 10 कलर ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर चूज करें। साइज की बात करो तो इसमें स्मॉल से लेके डबल एक्सल के साइज अवेलेबल है, तो आपको जो साइज आए वो लें। मैंने इसमें मीडियम साइज परचेज किया जो कि मुझे बहुत परफेक्ट आ रहा है, तो अपना 2 साइज बाय करें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कई दिनों से थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा। आज थोड़ा बेटर लगा मुझे, इसलिए मैं आज कई 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। ये तो पूरा चिकनकारी पैटर्न मिल जाएगा आपको फ्रंट पे, फ्रंट में छोटा सा स्मॉल राउंड नेक मिलेगा आपको, और इसके योग पार्ट पे बहुत अच्छा खासा हैवी आपको चिकनकारी पैटर्न मिल जाएगा। एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी फुल ऑन इस तरह से, और इसकी कमर पे भी आपको इस तरह से मिलेगी साइड में लाइनिंग सी, और बीच में ना इसमें गैदरिंग दी हुई है। इसकी गैदरिंग की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, कि जो थोड़े से टमी वाले लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ी टमी और टिकली होती है, उनको हाइड करने में इस तरह का पैटर्न बहुत ही अच्छा होता है कुर्तियों में। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी कुर्ती है ये। बीच में आपको नीचे जाके ना इस तरह से बीच में फ्लावर बने मिल जाएंगे, देखिए फ्लावर की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है, और उसके बाद ये फुला नीचे जाते जाते ये अच्छी खासी अगेन इसमें एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आपको हैवी। तो पूरे कुर्ते पर ये पूरा एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है इसमें, और पीछे से आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगी ये कुर्ती। स्लीव्स की बात करें तो इसकी ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स मिल जाएगी आपको, और स्लीव्स में बीच में भी आपको इस तरह से लीफ वाला एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी बना पैटर्न इसका, जो कि फ्रंट में भी और बैक में भी है, बोथ साइड मिल जाएगा आपको। ए लाइन वाली कुर्ती है तो कहीं आपको कट नहीं मिलेगा, हालांकि सी थ्रू नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी इसमें थोड़ा इनर पहन लेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा इसमें। और मुझे ये मेरी हाइट 5'4" है, आप लोगों को पता ही है, मैं कई बार मेंशन किया है, उस हिसाब से मुझे काफ लेंथ तक आ रही है, इनफैक्ट काफ लेंथ से भी थोड़ा सा नीचे तक आ रही है कुर्ती। आप इसको व्हाइट लेगिंग प्लाजो वगैरह किसी के साथ भी आप कम्फर्टेबल उसके साथ में पहन सकते हैं। फैब्रिक फुल ऑन रेयन है, क्योंकि समर आने वाला है आगे, तो रेयन मटेरियल आपको पता ही है बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, और बहुत सॉफ्ट भी होता है। तो मेरी तरफ तो फुल और रिंग बॉन्डेड है कुर्ती आ रही है, इसकी फिनिशिंग क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, और 350 के अप्रोक्सीमेट में तो यार ये बहुत ही अच्छी कुर्ती है, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं इस कुर्ती को। बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती, जो नेक्स्ट कुर्ती ली है ना मैंने, शॉर्ट कुर्ती ली है ये, जिसको आप ट्यूनी भी बोल सकते हैं। ये देखिए वाइन कलर है इसका, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। शॉर्ट कुर्ती है आपको, ये आपको कमर तक आएगी, मतलब आपको ये नी से ऊपर आएगी आपको ट्यूनिक के हिसाब से, और ये देखिए फ्रंट में आपको इस तरह से राउंड नेक मिल जाएगा, उस पर हल्का सा बीच में वी कट मिलेगा, और फ्रंट पे योर पार्ट में पूरी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आपको इसमें। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग, आप देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है इसकी। बीच में आपको इस तरह से कमर पे ना ये डोरी मिल जाएगी, ताकि आपको लूज टाइट के अपने हिसाब से, इस कमर के हिसाब से लूज टाइट कर सकते हैं इसमें। हाँ साइज की बात करें तो मैंने इसमें एल साइज लिया है, मुझे एल साइज बहुत अच्छे से आ रहा है, कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, साइज भी इसमें स्मॉल से लेके डबल एक्सल के साइज अवेलेबल है, तो आपको जो साइज आए वो लें। फैब्रिक की बात करें तो फुल ऑन जॉर्जेट फैब्रिक है, और इसमें ना ऊपर तो आपको इनर मिलेगी, और उसके बाद नीचे आपको बिल्कुल प्लेन ये जॉर्जेट का कपड़ा मिलेगा जो सी थ्रू होने वाला है, और ऊपर का आधा पोर्शन में आपको इस तरह से इनर मिलेगा, तो वो तो बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, और नीचे का पोर्शन आपको आधा सी थ्रू मिलेगा। और स्लीव्स की बात करें तो इसमें 3/4 स्लीव्स मिलेगी आपको, स्लीव्स पे भी देखिए इस तरह से अच्छी खासी बूटी बनी हुई है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है इस तरह से, और कॉर्नर पे भी इस तरह से फुल ऑन एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आपको। फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, और ये एम्ब्रॉयडरी आपको साइड में भी मिलेगी, बैक में भी मिल जाएगी वो साइड में, और नीचे भी आपको सेम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आपको जगह जगह पर, और बैक में भी आपको नीचे की तरफ आपको एम्ब्रॉयडरी बनी हुई मिल जाएगी इस तरह से। बहुत ही अच्छी कुर्ती है, आप इसको जींस वगैरह के साथ में, जो कॉलेज गोएंगे ऑफिस गोएंगे ना, वो आराम से पहन सकते हैं। जींस वगैरह के साथ में इसके साथ बहुत ही अच्छा स्मार्ट लुक लगता है इसमें,
रेट में भी यार ये बहुत अफोर्डेबल एज में थी, ये अंडर 300 के अप्रॉक्स रेट में कुर्ती थी, उस हिसाब से तो यार बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। फुल ऑन आप ट्रायल ऑन में देख लीजिएगा इसका फुल लुक कैसा लगता है पहनने के बाद में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की, जो नेक्स्ट कुर्ती है वो यार बहुत ही प्यारी कुर्ती है। पर उससे पहले प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ यार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रहे हैं आपके। तो मैंने ली है ये व्हाइट कलर की, यार मैं बहुत टाइम से सोची थी व्हाइट कलर की कुर्ती लेने का। एक्चुअली मुझे जीन्स के साथ पहनने के लिए चाहिए व्हाइट कलर की कुर्ती, तो मुझे ये मीशो पर दिखी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। ये कुर्ती विद इनर है यार, इनर का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आपको यार कहीं पर भी जाके देखना नहीं पड़ता, मैच नहीं करना पड़ता इनर को। ये तो चलो व्हाइट है, व्हाइट बहुत इजीली वो मिल जाता है, लेकिन जैसे ब्लू हुआ, पिंक हुआ, रेड हुआ, तो इन सब में यार बहुत प्रॉब्लम आती है आपको इनर मैच करने में। तो हमको इनर मिल जाती है तो यार बहुत कंफर्ट होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरी सीथ्रू होती है इसलिए हमें ये इनर चाहिए होती है इसके साथ में। कपड़े की बात करें तो आपको शिफॉन का मटेरियल मिलेगा, ये लखनवी चिकनकारी कुर्ती है प्योर, बहुत ही अच्छी कुर्ती है ये, बहुत ही एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है इसकी। फ्रंट में आपको इस तरह से ना ये राउंड नेक में थोड़ा सा वी सा शेप मिलेगा और फ्रंट के पूरे योग पार्ट पे आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। आप देखिए फुल ऑन हैवी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी आपको इस तरह से नीचे तक, और फिर थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे जाके आपको जगह जगह पर इस तरह से बोटियाँ बनी हुई मिल जाएगी आपको फ्लावर की सी। इस तरह से पूरा हैंडवर्क काम किया हुआ है इस पर कुर्ती पे, और आपको एक बूटी इस तरह से बैक साइड में भी मिलेगी इस तरह से। ये स्लीव की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स मिलेगी, और स्लीव्स के भी आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिल जाएगी आपको, बोथ साइड में मिलेगी आपको ये डिटेलिंग। स्ट्रेट कुर्ती है, आपको साइड में इसमें स्लिट मिल जाएगी, और स्लिट पे भी आपको पूरी देखिए एम्ब्रॉयडरी मिलेगी फ्रंट पार्ट पे आपको इस तरह से। मुझे ये आ रही है काफ लेंथ तक कुर्ती आ रही है, ये बहुत ही अच्छी है, शिफॉन है तो बहुत सॉफ्ट मटेरियल होने वाली है, बहुत डेलिकेट सा कपड़ा होता है वैसे ही, तो बहुत सॉफ्ट है, आपको पहनने के बाद पता भी नहीं चलता कि आपने कोई कुर्ती वगैरह पहनी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि बहुत लाइट होता है। और जींस के साथ तो यार बहुत ही स्मार्ट लुक लगता है, उसके साथ में आप लोग कोई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कैरी कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है ये। और साथ में ये इनर है, इनर का कपड़ा भी यार बहुत हार्ड कपड़ा नहीं है, लेकिन अगर हार्ड भी आता है ना तो आफ्टर वॉश बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो ये भी आपको इनर मिलेगी। कर स्लीव्स में आपको मिलेगी ये पूरी इनर, राउंड नेक मिलेगा इसका, और ये आपको कमर तक आएगी नीचे तक, और साइड में आपको इस तरह से स्लिट भी मिल जाएगी कुर्ती में इसके इनर पार्ट में, व्हाइट कलर की है पूरी। तो इस तरह से फुल ऑन बहुत ही अच्छी क्वालिटी है यार, ये मुझे आई थिंक 450 के अप्रोक्सीमेट मिला था ये कुर्ती विद इनर, बहुत ही अच्छी है मेरी तरफ से, यार फुली रिकमेंडेड है आपको लेना है तो डेफिनेटली आप इस कुर्ती को परचेज कर सकते हैं, इसका फुल ट्रायल आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की, जो नेक्स्ट कुर्ती है ना वो कुर्ती भी काफ़ी अच्छी कुर्ती है ये भी, ये मैंने लिया रेड कलर में, कलर ऑप्शन सब में बहुत सारे अवेलेबल है तो आपको जो कलर पसंद आए वो ले। साइज की बात करें तो इसमें स्मॉल से लेके डबल एक्स तक है साइज है, इसमें मैंने एल साइज पिक किया, लेकिन हालांकि इसमें साइज मेंशन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने इसमें एल साइज पिक किया है। फ्रंट में आपको इस तरह से राउंड नेक मिल जाएगा, उस पर हल्का सा वी कट मिलेगा, और नीचे आपको 8-10 बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी, शो बटन है कपड़े के तो ये ओपन नहीं होते, केवल शो के लिए है ये बटन। और फ्रंट में आपको इस तरह से ना फुल ऑन आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी आपको इसके योग पार्ट पे, हैवी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। स्लीव्स की बात करें तो आपको फुल ऑन ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स मिलेगी इसमें, स्लीव्स पे भी आपको देखिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग मिलेगी, जो फ्रंट में भी है वो आपको बैक में भी मिल जाएगा, और बीच में आपको इस तरह से फ्लावर बने हुए मिल जाएंगे, बोथ साइड में मिलेगा आपको ये, और नीचे नीचे आपको देखिए बीच में ना फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। हालांकि एक तो धागे निकले हुए हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा धागे हैं ये देखिए, तो जो कि कट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसकी एम्ब्रॉयडरी में प्रॉब्लम है, नहीं, इसमें एक्स्ट्रा धागे दिए हुए हैं ये, तो हालांकि कट हो जाएंगे तो उसके बाद की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। स्ट्रेट कुर्ती है ये पूरी की पूरी, तो आपको साइड में आपको स्लिट मिलेगी, और स्लिट पे भी आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आपको, पीछे से भी आपको फुल ऑन एम्ब्रॉयडरी मिलेगी आपको, पीछे एक बड़ी बूटी मिल जाएगी इस तरह से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी की, और बीच बीच में आपको वही सेम फ्लावर बने हुए मिल जाएंगे आपको इसमें। 5'4" हाइट के हिसाब से मुझे ऑलमोस्ट काफ लेंथ तक आ रही है कुर्ती है। कपड़े की बात करें तो फुल और रेयर मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, आप इसको व्हाइट कलर के प्लाजो वगैरह के साथ पहनेंगे, और उसके साथ में एक दुपट्टा कैरी कर लीजिए, क्योंकि दुपट्टा ऑलमोस्ट सब व्हाइट ना सबके पास होता है, तो आपका बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। और ये भी मुझे अप्रॉक्स 350 के अप्रॉक्सिट में पड़ी थी, हिसाब से यार इसका क्वालिटी मटेरियल काफ़ी अच्छा है, हालांकि इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, लेकिन सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है कुर्ती। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो,
चिकनकारी कुर्तियों का सबका रिव्यू, सबकी क्वालिटी वगैरह मैं आपके साथ में शेयर कर ली है, सबकी रिक्वेस्ट मेंशन कर दी और सबका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको जो भी चाहिए आप वो कोड के साथ में परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।